राधा कृष्ण मंदिर बगीची मंदिर पचोर में प्रतिवर्ष अनुसार दीपावली महोत्सव के पश्चात मनाया जाने वाला अन्नकूट महोत्सव कार्यक्रम संपन्न हुआ, जिसमें हजारों की संख्या में श्रद्धालु भक्त उपस्थित हुए एवं अन्नकूट में प्रसाद ग्रहण की। जय गोवर्धन नाथ की, जय माँ के बिहारी लाल की, जय। प्रिय भक्तों, ये जो गोवर्धन पूजा प्रारंभ हुई है वो भगवान ने श्री कृष्ण जब बड़े हो गए तो उन्होंने कहा कि इस पर्वत की पूजा करने से तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। ये गायें चरती हैं, यहाँ जल मिलता है, सब प्रकार की सुख समृद्धि मिलती है, इसलिए सारे ब्रजवासी मिल करके मेरे साथ गोवर्धन नाथ की पूजा करें। भगवान ने जब गोवर्धन नाथ की पूजा कराई सारे ब्रजवासियों से तो इंद्र कुपित हो गया। उसने उसी समय घनघोर वर्षा की, सारा ब्रज त्राही त्राही करने लगा। भगवान ने कहा चिंता की जरूरत नहीं है। भगवान ने गोवर्धन पर्वत अपनी अंगली पर धारण कर लिया और सारे गोकुल के प्रजाजनों को की रक्षा की। और उन्हें जब इंद्र परास्त हो गया, हार गया, तो भगवान ने उस समय कहा कि अब समझ में आ गया तुम लोगों को, अब हमेशा इस गोवर्धन की पूजन करें। और उसी समय से फिर गोवर्धन नाथ भगवान का हुआ। उन्होंने अमृत भी धारण किया था गोवर्धन पर्वत, इसीलिए इसका विशेष महत्व है। और हर दिवाली के दूसरे दिन गोवर्धन की पूजा की जाती है घर घर में, और साथ ही गोवर्धन नाथ की पूजा सारे प्रजाजनों के द्वारा की जाती है, इसलिए इसका विशेष महत्व है, विशेष आनंद है। और सारे हमारे हिंदू संस्कृति में इसका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है।